मुरादाबाद से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी से देहात विधानसभा 27 के प्रत्याशी के मिश्रा ने मुस्लिम कार्यकर्ता एवं मुस्लिम समाज की महिलाओं को बनाया बेवकूफ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ को जुटाने के लिए, भाजपा के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन दिखाने के लिए किराए पर बुलाई थी मुस्लिम समाज की महिलाएं, और अब ना तो उन्हें किराया मिला और ना ही मिलने की है उम्मीद। मिश्रा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की रैली में गई थी, कार्यक्रम में आपको बुलाया गया था, तो आप वहाँ पहुँची थी? हाँ, पहुँचे थे। अपने ग्रुप की महिला कितनी महिला थी आपके साथ जो आप पहुँची थी वहाँ? 150 महिलाएं थी, जो मुस्लिम महिलाएं थी, अलग अलग क्षेत्र की। मिश्रा जी, ये पूछना चाह रहा था आपसे मैं, आपको क्या क्या बुलाया गया था रैली में? 300 रुपए प्रति महिला देकर बुलाया गया था। वो आपको आपकी जो धनराशि है वो प्राप्त हुई? मेहनत नहीं मिला। तो आप क्या करना चाहोगी इसमें आप आगे? बस हमें तो यह है कि पैसे मिलने चाहिए, हमारी महिला है, सब हमसे कह रही है। बार बार कि हमें पैसा दिलाइए, पैसा दिलाइए, हम कहाँ से दिलाएं? जब ऊपर से पैसे मिलेंगे। आप प्रत्याशी से क्या अपील करना चाह रही हो? और तो ये कह रही है आप ला के खा गई, पैसे पैसे ला के खा गई, हमें ना मिले। हाँ, ये गाना वो सब कर रहे हैं। हम अपने पास 2500 ये ले गई, 20 ये ले गई, 40-50 ले गई, कुछ ये ले गई, सारी औरतें हमारे घर घेर रखा औरतों ने। तो आपको कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, पैसा नहीं। ये अगर बुलाया गया था कि 300 रुपए में आप आ जाइए। हाँ, मुस्लिम गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।